मार्केट इज कंसर्न, जहाँ तक कि मार्केट का सवाल है, तो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए पिछले सालों से आज बहुत कम काम है। जो भीड़ देखने को मिलती थी काफ़ी कम भीड़ है। संडे को थोड़ा रश मिला था देखने के, लेकिन आज अगर देखा कंपेरेटिवली कल से बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से लोगों की इनकम पे काफ़ी असर पड़ा है। एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में काम बढ़े और हर एक ताजर आराम से अपना बिजनेस जो है उनका वो चलाए। जहाँ तक ईडेबल्स का ताल्लुक है, ईडेबल्स पे कोई असर नहीं है। फ्रूट्स बहुत अच्छी तरह से सेल हो रहे हैं और बच्चों की चीज़ें जैसे मतलब उस पर भी थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन ओवरऑल बच्चों के लिए शॉपिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है। रमज़ान मुबारक का जो महीना है बहुत ही बबरकत महीना, और ख़ासतौर पर अगर मिल्लत इस्लामिया की हम पूरी आलम की बात कर रहे हैं कि काफ़ी पूरी आलम के साथ में इसको बड़े एहतमाम के साथ जो मनाया जाता है। तो यही वजह है कि अब जब चूँकि जब आखिरी लम्हात होते हैं उसके बाद ईद उल फितर की जो तकरीब सामने आती है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। जैसे कि हम मार्केट की बात हो, फिर लोगों के बच्चों की, खासतौर अगर बच्चों की हम बात करें, बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं क्योंकि इन्हें आगे ईद के मौके पे उन्हें नए नए कपड़े मिलते हैं, नई नई चीज़ें मिलती है और नई नई चीज़ें खाने के लिए भी मिलती है। हाँ, ये अलग बात है कि मार्केट की जहाँ तक अगर हम बात करें बहुत रश रहता है, लेकिन देखा ये गया कि काफ़ी रश होने में काफ़ी महंगाई भी बहुत ही है और चीज़ें भी जो आपको बहुत ही अच्छी और दिलफरे मिलती है।